सभी से बात करके इसे सीएम सर के पास लेकर जाना ही सही रहेगा। ओके, विल टॉक। नमस्ते। नमस्ते। हेलो लंदन बिजनेसमैन सर, सॉरी फॉर द डिले। ये कौन है? ये सब मेरे साथी हैं सर। नमस्ते सर। सो फाइनली यू केम टू इंडिया टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मैंने भी तो यही कहा था कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए, पर आपने मना कर दिया था। Yeah, I had to change my mind. So changes are good. आप अपने पैसे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ सब लोग डेवलप होंगे। हेलो, मैं बस अभी दिल्ली से लैंड हुआ हूँ। रास्ते में मुझे एक छोटा सा काम है, उसे फिनिश करके पार्टी ऑफिस 10:15 बजे तक पहुँचता हूँ। ओके, और क्या चल रहा है? अपनी विश्वनाथ इंडस्ट्रीज कैसी चल रही है? सच कहूँ तो बीच में है वो लोग। आर यू श्योर? ऑलरेडी 600 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लोग। सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। इसका मतलब है मेरी बात करने का वक्त आ गया है। हाँ सर। ओके, मीटिंग फिक्स करो। श्योर। Mr. Vishwanath, this might not be the right time. I have a proposal for you. Outskirt में अपनी एक सीमेंट फैक्ट्री है ना? आपको बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा ही सीमेंट इस्तेमाल करना होगा। उसके एक्सपेंशन के लिए I would like you to take some investment. We'll create more employment, huh? I'll think about it. हाँ, सोचिए। थोड़ा टाइम भी ले लीजिए। Come with the positive outcome, पर नो मत कहना। Jay will be in touch with you. सर को कॉल करके तंग नहीं करना है। अरे okay? नहीं सर। फैक्ट्री में कुछ 100 करोड़ इन्वेस्ट करने, तो तुम सब मिलकर उसे मेन फैक्ट्री देखकर उसके हिसाब से हम कॉल लेंगे। शायद यही क्या चाहिए? सारथी सर ने भेजा है हमको। सारथी साहब ने भेजा है आपको? हाँ। आइए सर। चलो रे, देखते हैं। आइए साहब, आप सब यहाँ आए हैं, मैं साहब को बता देता हूँ। जाइए। ये क्या, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं, चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। साहब, फैक्ट्री देखने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं। लगता है हम रॉन्ग एड्रेस पे आ गए यार। यार ये रही सीमेंट फैक्ट्री। देखने में तो सूटकेस कंपनी जैसी लग रही है। अरे उसने सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बताया था। अरे सूटकेस कंपनी का मतलब सूटकेस बनाना या हैंडबैग बनाना नहीं होता। अरे वो तो टीवी में दिखाते है ना। हा? और पेपर में भी देखा होगा। हा? एक डमी कंपनी, दिखावे की कंपनी, सूटकेस कंपनी। ये सारी कंपनीज फिजिकल में नहीं होती, सिर्फ पेपर्स में ही होती है। तुम्हें पता है क्या, ये बड़े लोग पैसों का घपला करके कहाँ पे लगाते हैं, ऐसी कंपनियों को देते रहते हैं। ए, वहाँ कोई आ रहा है, देख। ये जय ही है, इससे जाके बात करते हैं।
100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए आप हमारी नाक में दम कर रहे थे, इस फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री को क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन यहाँ फैक्ट्री है कहाँ पर? ये फर्स्ट यूनिट है और वहाँ सेकंड यूनिट है, और वो जो बाजू में है वो है मेन ब्लॉक। तुम्हारे जैसे 1000 से 1500 लोगों को बिना टेंशन के 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। हाँ सॉरी, ऐसा है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा बॉस। मतलब वार्निंग दे रहे हो क्या हमें? इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ तो वार्निंग क्यों समझ रहे? वही तो, यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है, उनकी बात मानोगे जिंदगी आराम से चलेगी। ये बात अपने दोस्त को भी समझा देना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, ये बोल दूंगा। हे लंदन बिजनेसमैन, व्हाट अ सरप्राइज। स्टॉप पुटिंग प्रेशर ऑन मी। व्हाट हैपेंड विश्वनाथ? आई हैव अ विजन और मैं उस विजन के हिसाब से इन्वेस्ट करने आया हूं। And you know that. हम सबका विजन एक ही तो है ना, साथ मिलकर काम करना। No, not at all. आप और आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही हमारे देश की जनता धोखा खा रही है। आपको सिर्फ पैसे कमाने का लालच है, लेकिन मैं यहां हजारों ग्रेजुएट्स को नौकरी दिलवाने आया हूं, जो असली में नहीं है, बस पेपर पे हैं। ऐसी सो कॉल्ड सूटकेस कंपनीज में मैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तुम यहां तक आए हो? यह आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन सर ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। एंड प्लीज डोंट इंटरफियर। तो मेरी बात भी सुनते जाओ, अगर तुम्हारे कदम अच्छी तरह आगे बढ़ने चाहिए तो हमारी विश भी पूरी होनी चाहिए, वरना तुम्हारा ये कदम बीच में ही रुक जाएगा। ये इतने सारे नोटिस कैसे यार? ये फोर्थ नोटिस है, आप लोग अभी के अभी काम रोक दीजिए वरना हम सीज कर देंगे। सर अभी बिजी हैं, आप नहीं मिल सकते। मैं इंतजार करता हूं। ठीक है। हेलो सर, बुला रहे हैं तुम्हें। नमस्ते सर। देखो मिस्टर विश्वनाथ, तुम मेरे या मेरे घर के आसपास चक्कर लगाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है सर, बिजनेस समिट में आपने क्या कहा था, और ये सारे नोटिस देखिए, आधा काम हो चुका है सर। अगर आप काम रुक गए तो मेरा विजन भी ठप हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद। विश्वनाथ, मैं क्या कर सकता हूं, तुमने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किया है। सर ऐसा नहीं है सर, पर ये नोटिस अगर आप वापस ले लेंगे तो मैं। हाँ आ गया है सारथी, जो तुमने कहा था वो मैंने कह दिया है। हमारे हाथ में क्या है, जो सीनियर्स कहते हैं वही हमें करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं। ओके हाँ ठीक है। शालिनी विशु, आई ओके? हाँ, मुझे कॉल आ गया था।
पर तुम क्यों बाहर आई? मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए।